हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक गुप्ता। आप सुन रहे हैं हमारा चैनल क्लब जीएसटी। ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का अटेम्प्ट है सीए फाइनल का नवंबर 2020 के एग्जामिनेशन में। सो हर वो व्यक्ति जिसका सीए फाइनल का नवंबर 2020 का एग्जामिनेशन है, मैं चाहूंगा वो इस वीडियो को ध्यान से सुने, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको क्लैरिफाई करने वाला हूँ एज टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019 एंड फाइनेंस एक्ट 2020 फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। सो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आईसीआई की एग्जाम गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर 2020 है तो आपको 30 अप्रैल 2020 तक के सभी लीगल अपडेट्स की जानकारी होनी चाहिए। जी हां, कट ऑफ डेट क्या है, 30 अप्रैल 2020 वहां तक के जो भी लीगल चेंजेस हुए हैं, जो भी लीगल अपडेट्स हैं, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए फॉर योर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। नाउ 30 अप्रैल 2020 की जो कट ऑफ डेट है, अब इस कट ऑफ डेट के दायरे में क्या हमारा फाइनेंस एक्ट 2019, हमारा फाइनेंस एक्ट 2020 आता है, तो सुनिएगा जरा ध्यान से। फाइनेंस एक्ट 2019 ये हमारा पास हो गया था 1 अगस्त 2019 को। इस फाइनेंस एक्ट 2019 ने इनकम टैक्स में बहुत सारी अमेंडमेंट करी थी और जीएसटी में भी बड़ी सारी अमेंडमेंट करी थी। अब आपको मैं ये बता देता हूं, इनकम टैक्स वाली अमेंडमेंट्स तो इफेक्टिव कर दी गई थी, बट जीएसटी वाली अमेंडमेंट्स जो थी उनको इमीडिएट इफेक्टिव नहीं किया गया था। बोला गया था कि इनको इफेक्टिव अभी नहीं, इनको हम इफेक्टिव करेंगे बाद में एक पर्टिकुलर डेट से, जिसे हम नोटिफाई करके जो होगा वो बताएंगे। सो 1 अगस्त 2019 को फाइनेंस एक्ट 2019 पास था, पर जीएसटी की अमेंडमेंट्स इफेक्टिव नहीं हुई थी, ध्यान दीजिएगा। अब रिसेंटली 1 जनवरी 2020 से जीएसटी की अमेंडमेंट्स को प्रभावी किया गया है। फाइनेंस एक्ट 2019 ने जो भी जीएसटी में अमेंडमेंट करी थी उन अमेंडमेंट्स को 1 जनवरी 2020 से इफेक्टिव किया गया है, एंड अकॉर्डिंगली क्योंकि ये अभी रिसेंट में इफेक्टिव की गई हैं 1 जनवरी को, और हमारी ये कट ऑफ डेट 30 अप्रैल के अंदर अंदर आती है, तो ये सारी अमेंडमेंट जो भी फाइनेंस एक्ट 2019 ने करी थी ये नवंबर 2020 के सिलेबस का हिस्सा बनेंगी, और ये सब अमेंडमेंट से हमें अपने आप को अपडेट जो होगा वो करना पड़ेगा। ठीक है जी, पहली बात तो ये होती है फाइनेंस एक्ट 2019 का अपडेशन हमें चाहिए होगा अपने नवंबर 2020 के एग्जामिनेशन के लिए। अब एक्ट में जब अमेंडमेंट होती है तो एक्ट के साथ साथ कुछ कॉरेस्पॉन्डिंगली रूल्स में भी अमेंडमेंट होती है, कुछ रूल्स नए आते हैं उस एक्ट के लिए या फिर कुछ रूल्स चेंज किए जाते हैं, तो फाइनेंस एक्ट ने जो भी अमेंडमेंट किया उससे रिलेटेड कुछ रूल्स की भी अमेंडमेंट है वो भी हमें पढ़नी जो है वो पड़ेगी। अब हम दूसरी बात करते हैं फाइनेंस एक्ट 2020 की। तो फाइनेंस एक्ट 2020 ये पास हो गया 27 मार्च 2020 को, 27 मार्च 2020 को, ये हमारी कट ऑफ डेट के अंदर अंदर पास हो गया है, लेकिन जीएसटी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स को अभी इफेक्ट नहीं दिया गया है, और बोला गया है कि फाइनेंस एक्ट 2020 ने जो जीएसटी की अमेंडमेंट करी है उनको हम इफेक्टिव कराएंगे फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड लेटर। और दोस्तों, जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस या मेरा अपना यकीन है, वो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है फाइनेंस एक्ट 2020 की अमेंडमेंट जो हैं वो 30 अप्रैल 2020 तक इफेक्टिव की नहीं जाएंगी। तो इस वजह से मेरा एक्सपीरियंस, मेरा इंट्यूशन ये कहता है फाइनेंस एक्ट 2020 ने जो चेंजेस किए हैं वो नवंबर 2020 के अटेम्प्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो ऑनवर्ड जो आगे वाले अटेम्प्ट है मई 2021 उसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे। सो फाइनेंस एक्ट 2020 नवंबर 2020 के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और यदि आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो नवंबर 2020 से भी आगे की प्रिपरेशन कर रहा है, तो जस्ट उनकी नॉलेज के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये जो फाइनेंस एक्ट 2020 की अमेंडमेंट है, बजट जिस दिन आया था हमने उसके नेक्स्ट डे ही पूरे बजट का एनालिसिस एक एक जीएसटी की अमेंडमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया था। तो मई 2021 के लिए अगर कोई उस फाइनेंस एक्ट को पढ़ने में इंटरेस्टेड है या कोई अदरवाइज अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उन अमेंडमेंट्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो ऑल दोज अमेंडमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड एंड ऑलरेडी ऑन आवर यूट्यूब चैनल बजट 2020 के नाम से आप जाकर के देख सकते हैं। वीडियोज़ के साथ साथ आपको नोट्स के लिंक जो होंगे वो भी वहाँ पर मिल जाएंगे। बट मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करता हूँ नवंबर 2020 के एग्जामिनेशन के लिए, तो मेरा क्रक्स का पॉइंट ध्यान में रखिएगा, आपको फाइनेंस एक्ट 2019 के अमेंडमेंट्स पढ़नी है, फाइनेंस एक्ट 2020 की अमेंडमेंट नहीं पढ़नी है। अगली बात मैं आपको साथ में ये बता देना चाहता हूँ, फाइनेंस एक्ट 2019 ने जो अमेंडमेंट करी है उसकी वजह से साथ ही साथ कुछ रूल्स में भी अमेंडमेंट हुए हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बोल देता हूँ, फाइनेंस एक्ट 2019 ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस को लेकर के कुछ चेंज किए हैं। छोटी सी बात बोलता हूँ, उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर कोई व्यक्ति
1 अप्रैल 2020 के बाद जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन तभी दिया जाएगा जब वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में अपना आधार ऑथेंटिकेशन करा ले, आधार वैलिडेट कराना पड़ेगा। और अगर आप आधार वैलिडेट नहीं कराते हैं तो फिर उस केस में आपको वो रजिस्ट्रेशन देंगे, लेकिन उस केस में आपके प्रमाइसिस का फिजिकल वेरिफिकेशन पहले करेंगे, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन देंगे। तो अब ये बात जो है वो उन्होंने सेक्शन में लिखी और फिर उस बात को उन्होंने रूल्स में भी कवर करने के लिए रूल्स में भी नेसेसरी अमेंडमेंट करी। तो जहां सेक्शन अमेंड होगा जरूरत पड़ेगी तो साथ साथ रूल्स में भी अमेंडमेंट होगी और वो सारी अमेंडमेंट भी आपको कवर करनी पड़ेंगी। बाकी अमेंडमेंट्स को लेकर के मैं डेफिनेटली एक मैसेज आपको देना चाहूंगा, अमेंडमेंट्स को लेकर के आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, बिकॉज अमेंडमेंट चाहे कितनी भी हो उन सबको विद लॉजिक विद फुल एनालिसिस जो है वो हम आपको प्रोवाइड कराई देते हैं हमारे चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हो पहले भी हमने कराई थी और आगे भी हम कराते ही रहेंगे, तो अमेंडमेंट शैल नॉट बी अ पॉइंट ऑफ योर कंसर्न। दूसरी बात, कुछ बच्चों का ऐसा भी क्वेश्चन आया, कुछ व्हाट्सएप पे उन्होंने ऐसा भी पूछा कि सर ये जो कोरोना है इस लॉकडाउन हुआ है तो इससे बहुत सारे ड्यू डेट्स पर इंपैक्ट आए थे और गवर्नमेंट ने ड्यू डेट्स जो है वो एक्सटेंड करी है, इनकम टैक्स में भी करी है, जीएसटी में भी करी है, तो सर क्या वो जो इतने सब एक्सटेंशन नोटिफिकेशन कोरोना की वजह से खासतौर से जो आए हैं क्या वो सब भी सिलेबस में पूछे जाएंगे, वो तो इमीडिएट इफेक्टिव हुए हैं। तो बेटा मैं आपको यह बोलना चाहूँगा, एज अ स्टूडेंट आपको वो जो है वो जर्नल लॉ पढ़ाते हैं, तो ये कोरोना इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन, इसको प्रैक्टिकली मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इमीडिएट स्टेप लिए हैं, बट डेफिनेटली वो सारे एक्सटेंशन नोटिफिकेशन या स्पेशल मेजर्स अगर उन्होंने कुछ लिए हैं तो वो सारे जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपसे जो जर्नल लॉ था वो जर्नल लॉ ही जो होगा वो आपसे पूछा जाएगा। बाकी आज ये जो मैं आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वीडियो की, आज हमारी डेट है 2 अप्रैल जब मैं आपके साथ ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और हमने 31 मार्च तक जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं चाहे वो एक्ट में हुई हो रूल्स में हुई हो, कोई नया सर्कुलर आया हो कोई नया नोटिफिकेशन आया हो, वो हमने सब ऑलरेडी जो है वो कवर कर ली है, कंपाइल कर ली है। और इनफैक्ट दोस्तों ये पहली बार ऐसा भी हो रहा है कि हमारा अमेंडमेंट मॉड्यूल जो नवंबर 2020 के अटेम्प्ट के लिए बनेगा वो भी पूरा जो है वो तैयार है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मेरा CA फाइनल नवंबर 2020 का स्टैचुटरी अपडेट, ये पूरी बुक जो है कवरिंग ऑल द अमेंडमेंट्स विद प्रॉपर लीगल एनालिसिस बीट ऑफ एनी चैप्टर, हमने ये सारी अमेंडमेंट जो है वो कंपाइल कर ली है। एंड आफ्टर कंपाइलेशन हम आपको इस बात की पूरी एश्योरेंस दे सकते हैं कि टेंशन लेने लायक कोई बात नहीं है, आपको मज़ा आएगा जब आप अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा, एक तो अमेंडमेंट्स अच्छी है इसलिए मज़ा आएगा, दूसरा आप हमसे पढ़ेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। कुछ बच्चों का हमारे पास जो मेन सवाल था, अब उस मेन सवाल की मैं आपसे बात कर देता हूँ, वो कहते हैं कि सर अब अगर हमारा नवंबर 2020 का अटेम्प्ट है तो हमें लास्ट गाइडेंस इस बात की ओर दे दीजिए कि हमें आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो कि आपने मई 2020 के लिए डिज़ाइन किया था, क्या हम उसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ अपनी तैयारी नवंबर के लिए स्टार्ट कर दें या फिर हम आपकी जो न्यू रिकॉर्डिंग्स नया प्रोडक्ट होगा उसके लिए हम वेट करें। तो सुनिएगा जी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बेसिकली हमारा मतलब यह है वो प्रोडक्ट जो कि मई 2020 के अटेम्प्ट के लिए डिज़ाइन किया गया था, और न्यू प्रोडक्ट से हमारा मतलब है जो कि डायरेक्टली नवंबर 2020 के अटेम्प्ट के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है जी। तो अब आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो ऑलरेडी रेडी है, उसमें आपको हमें कोई काम नहीं करना है, वो आप ले सकते हैं, पर आपको उस केस में इस बात का ध्यान में रखना है कि आपको अमेंडमेंट्स जो भी हैं वो अमेंडमेंट्स होंगी वो अलग से करनी पड़ेगी। नो डाउट अमेंडमेंट्स आपको मिलेंगी, आपके सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड कर दी जाएंगे, यूट्यूब पर भी हम पब्लिक एट लार्ज के लिए शेयर करते हैं, तो वो आपको अमेंडमेंट्स मिलने में दिक्कत नहीं होगी, बट आपको अपना एक टाइम फ्रेम शेड्यूल रखना पड़ेगा कि हाँ इन अमेंडमेंट्स के लिए भी हमें कुछ टाइम जो है वो डिवोट करना है, ठीक है। इसके अलावा जिनका भी अटेम्प्ट नवंबर 2020 है और अगर वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लेते हैं तो उनको अपनी प्रिपरेशन में दिक्कत ना रहे, क्योंकि वो बच्चे चाहते होंगे कि अभी प्रोडक्ट ले लें और जल्दी से उस पेपर को तैयार करके रख दें। तो इस बार हमने एक बड़ा डिसीजन जो लिया है वो ये लिया है कि हमारा क्वेश्चन बैंक, जो मेरे ख्याल से आज की डेट में तो सभी लोगों को हमारे क्वेश्चन बैंक के बारे में पता होगा, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक होता है जो एग्जाम प्रिपरेशन में आपको बहुत मदद करता है, तो उस क्वेश्चन बैंक को भी हम जून 2020 में ही लॉन्च कर देंगे, ताकि जो भी अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ले रहा है उसको इंतजार ना करना पड़े। जनरली क्वेश्चन बैंक जो होता है वो जुलाई अगस्त में रिलीज किया जाता है, बट इस बार हम जून में ही रिलीज कर देंगे, सो दैट आप अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद अपने आपको अपडेशंस फटाफट से करना चाहते हैं तो आप जून से ही क्वेश्चन बैंक से उसे अपडेट कर सके। तो ये बातें, तो ये गाइडेंस तो उन लोगों के लिए थी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेने की सोच रहे हैं, और जो लोग नया प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है कि नहीं हमें टोटली अपडेटेड प्रोडक्ट चाहिए, हमें किसी तरीके की अमेंडमेंट सेपरेट ना करनी पड़े, तो उन लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ नया प्रोडक्ट जो है उसकी रिकॉर्डिंग हम 10 अप्रैल से जो होगा वो स्टार्ट कर देंगे,
और रिकॉर्डिंग जैसे प्रोसेस होगी, एडिटेड लेक्चर जो होंगे वो आपको फिर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जिसके बारे में कब से अवेलेबल हो जाएंगे मैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो शेयर करूंगा। 10 अप्रैल से रिकॉर्डिंग चालू होगी, ये टोटली अपडेटेड रिकॉर्डिंग होगी। 31 मार्च तक के अमेंडमेंट्स तो ऑलरेडी क्योंकि रेडी है, वो इनबिल्ट ही कर ली गई है। इन बिटवीन अगर और कोई आ जाती है तो वो भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर ही डिस्कशन में जो होगी वो आपके साथ कवर हो जाएगी। ये टोटल अपडेटेड प्रोडक्ट रहेगा। इस नए प्रोडक्ट में आपको कोई सेपरेट अमेंडमेंट जो होगी वो सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात। अच्छा, अब जो लॉकडाउन की पोजीशन अभी है और जो मेरा इंट्यूशन कहता है वो ये कहता है कि लॉकडाउन जो होगा वो अभी इमीडिएट तो शायद नहीं खुलेगा, अभी थोड़े पीरियड के लिए और जो होगा इसे एक्सटेंड किया जाएगा और सभी सेवाएं नॉर्मल रूप से चालू होने में तो अभी और भी समय लगेगा। तो आप लोगों को वो जो पेन ड्राइव कूरियर या बुक्स कूरियर करने वाला प्रोसेस होता है, मुझे लगता है अभी उसमें कुछ और समय लग सकता है, तो उस चीज़ के लिए वेट नहीं किया जाएगा। आपको प्रोडक्ट गूगल ड्राइव के माध्यम से अवेलेबल करा दिया जाएगा और बुक्स आपको ई फॉर्म में जो होगी वो अवेलेबल करा दी जाएगी। आप हमारे सॉफ्टवेयर में ही लेक्चर सुन पाएंगे और विद इन आवर सॉफ्टवेयर ही आप ई बुक आपको मिल जाएगी, जिसमें आप जो होगा आराम से उस ई बुक को जो होगा वो पढ़ पाओगे, विच इज़ टोटली अपडेटेड। मैं आपको यहाँ पर अपनी रिवाइज्ड ई बुक की भी शक्ल दिखा देता हूँ, सो दैट यू पीपल रेस्ट एश्योर्ड कि हम सभी प्रिपरेशन के साथ रेडी हैं। ये बुक है हमारी 2020 की, ठीक है जी। स्क्रीन पर ये है GST वॉल्यूम 1 और ये बुक पूरी तरीके से हमारी तैयार है, जैसा कि इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पूरी अपडेटेड बुक जो है बेटा तैयार है। लेट मी शो यू टोटल हमारे पास, ये हम चलें तो ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर, ये आप यहाँ सारे चैप्टर्स देख सकते हैं, राइट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू द एंड चैप्टर एग्जम्पशन। ये पूरी बुक जो है बेटा हमारी जो है वो तैयार है और ये आपको ई फॉर्म में जो होगी वो अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है जी। इसके अलावा एक बात और जो हम आप लोगों के साथ बोलना चाहते हैं, ई बुक्स आपको मिलेगी तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ड कॉपीज नहीं मिलेंगी। हार्ड कॉपीज आपको मिलेंगी जब भारत में कूरियर सर्विसेज वगैरह जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी, टिल दैट टाइम आपको ई बुक्स मिलेंगी। और हम ये कोशिश कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर में कुछ इस तरीके के इम्प्रूवमेंट करने की कि आपको हम जो ई बुक्स अवेलेबल कराएं आप उसी ई बुक में नोटिंग, मार्किंग या कलरिंग इनमें से कुछ तो कर पाए, सो दैट आपके पास एक ऐसा फील रहे कि आप इसे पढ़ रहे हैं। जस्ट PDF को देख करके उतना मज़ा नहीं आता है, तो हम सॉफ्टवेयर में हमारी ऐसी कोशिशें हैं। नेक्स्ट 2 डेज में हमें लगता है कि हम कुछ अच्छे रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे, जिसे मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। होपफुली मैंने आपको वीडियो में आपकी जो भी क्वेरीज थी उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया है। फिर भी यदि आपको लगता है कोई और इशू है जो मुझसे इस वीडियो में छूट गया है और आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कृपया मेंशन कर दीजिएगा। चैनल के सब्सक्राइबर तो आप होंगे, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे अपनी कोई भी एडिशनल क्लैरिफिकेशन है तो मेंशन करिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। थैंक यू एवरीबॉडी, स्टे एट होम, अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, प्रधानमंत्री जी के आदेशों का पालन करिए, समय इकट्ठा रहने का है, देश को इकट्ठा मिलकर बचाने का है। धन्यवाद।